यहाँ पे इसके 55, मतलब आगे 45 की प्रोफाइल, पीछे 55 की चौड़ाई सेम है। कितनी बाल्टी है इसमें भाई? इसमें 4 बाल्टी लग रही है। चीज दिखा दूं देखो, और यहाँ पे भाई ने करा रखे कमेली, बाहर से भाई ने लगवा रखे। हेलो गाइस, कैसे हो भाई सारे भाई? तो यार आज आपके लिए कोरोला गाड़ी आ चुकी है, पहली बार अपने चैनल भाई कोरोला गाड़ी है, जो कि भाई ने बहुत ही तगड़ी मॉडिफाई करा रखी है। मतलब पूरी गाड़ी ब्लैक है और ऊपर से जेड ब्लैक भी है भाई, गाड़ी बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है। ये आप देख सकते हैं कि भाई ने कुछ तगड़ी चीज बनवा रखी है भाई, गन टाइप। तो सारी चीजें भाई से पूछेंगे कि भाई ने इसमें अंदर से क्या कराया, अलॉय कितने इंच के हैं, कमेलियन कहाँ से कराया है, सब चीजें पूछेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, उससे पहले आप सिनेमैटिक शॉट्स देखें। मेरी गल सुन ले जट्टिए, जट तेरा कहिंदा जो इक दे कोले दो दो असले, गड्डी विच बैंदा जो मेरी गड्डी विच बैंदा जो जदों काली दुनिया विच पै जांदे मुड़दे किथे पैर रखाने, पंगा जे पै जे बदला फाइजल वांगू लैंदे नी, फाइजल वांगू लैंदे नी, रातां नूं दिन चढ़दा जद चलदे साडे पैर रखाने, मर के जा मार के मुकदे आए जट्टां दे वैर रखाने। तो आ चुके हमारे भाई जो इस गाड़ी के ओनर है, सबसे पहले भाई से नाम जानते हैं, फिर सारी चीज पूछेंगे। भाई क्या नाम है? पुनीत रावत। भाई कहाँ से हो? भाई तिगाम से। तिगाम से अपने भाई हैं, जैसे कि फरीदाबाद से है ना भाई, फरीदाबाद में पढ़ते हैं तिगाम, तो ठीक है। बाकी मैं ना आपको यार बताता हूँ सारी चीजें गाड़ी के बारे में। देखो आगे से स्टार्ट नहीं करता, साइड में से स्टार्ट करते हैं, और अलॉय आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, तो इस पे आते भाई सबसे पहले। तो भाई आगे आओ और इसके बारे में बताओ, ये कहाँ से आए दिमाग में कि ये बनवाना है गाड़ी पे? भाई ये जहाँ तक एक दो गाड़ी थी जब ये चला था। अच्छा अच्छा। पंजाब साइड की जब देखा था, अरे कनाडा की गाड़ी थी कमेरो, उस पे लग रहा था। अच्छा, उस पे लगा हुआ था। फिर ये मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। फिर एक अपने भाई है, उन्होंने दिया, उसका ही स्क्रीनशॉट लेके मैंने इसे प्रिंटिंग मशीन पे बनवाया। अरे बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है। तो भाई अगर मैं पूछूं ये अपने जैसे ऐसे बनवाते तो ये कितने में हो जाता है ये सारा काम? भाई ये तो इसमें तो टाइम लगा था, उसने 150 रुपए लिए थे, वैसे ज्यादा अच्छा, की चीज नहीं है। ज्यादा की चीज नहीं है, मतलब टेपिंग ही है चिपकाने वाली। हाँ। उससे ज्यादा ऊपर कुछ नहीं है, कलर्ड है बस, कलर्ड है और 150 रुपए जैसे कि भाई बता रहे हैं। और भाई देखो बताने को तो भाई इसे ज्यादा ही बता सकते, पर भाई जो चीज है वो ही बताएंगे ना, ज्यादा बता के फायदा ही क्या होगा। अच्छा, विनाइल पे ऐसी मशीन निकाल देती है प्रिंटिंग वाली। अच्छा अच्छा, सीधा चिपक जाता है, सीधा चिपक जाता है। और यहाँ पे भाई ने करा रखे कमेलियन, देखो भाई कितने मस्त लग रहे हैं, इसका तो बहुत ही टाइम चल रहा है। भाई इसके बारे में बताओ कि ये ना कितना टाइम हुआ है? मैं ना हर गाड़ी पे देखता हूँ, आपकी गाड़ी पे ना देखने में ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कराया, पर आप बताओ कि इसको कितना टाइम हुआ है? भाई मेरे पास हो गए 4 महीने। 4 महीने से हो गए, मतलब भाई ने जब ये ट्रेंड उठा उठा था जब ही कर लिया था, है ना? तो भाई आपको ना देखो यार थोड़ी बहुत ना हवा की आवाज आ रही होगी, उसे भाई इग्नोर कर देना क्योंकि उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी इधर बात करते हैं, तो भाई ये जो लाइन अपनी खिंचवाते हैं ऐसे, पट्टियां बोल लो, इसे ऐसी बोलते हैं ना कि पट्टियां खिंचवा लिया ना, तो ये कब करवाया था भाई? भाई ये जब ट्रेंड में चली थी सब, ये जब ही मतलब जैसे जैसे भाई 2 साल हो गया, जैसे जैसे ट्रेंड उठता आप उसी टाइम करा ले, तो इंतजार नहीं करते कि आगे तक चलेगा कि नहीं चलेगा ना, बहुत ज्यादा। अच्छा, और भाई मैं देख रहा हूँ गाड़ी का कलर ब्लैक है और साथ ही साथ पूरी गाड़ी जेड भी है। पूरी गाड़ी जेड है भाई, इसी से ब्लैक नहीं कराए तो क्या मजा, क्या मजा है भाई। कहाँ कहाँ ले जा चुके हैं ऐसे जेड में गाड़ी को? भाई डेली परपस से चलती है, दिल्ली चले जाते हैं, नोएडा भी सारे में चलती है, सारे में चलती है। मतलब भाई दिक्कत होती है कुछ आज तक भी? कोई भाई दिक्कत तो होती है, तरीके से चलानी पड़ती है, तरीके से चलानी पड़ती है, चलो ऐसी बात है। और भाई ये बताओ कि ना अपनी गाड़ी है कौन सा मॉडल है? 2010 मॉडल अपनी, पेट्रोल पे? पेट्रोल सीएनजी, पेट्रोल सीएनजी है ना, तो बहुत बढ़िया। अभी तो मतलब भाई इसके तो बच रहे हैं दो साल बच रहे हैं ना, अभी 2 साल इसके बच रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे नहीं कि भाई एक्सपायर गाड़ी लेके घूम रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया। तो भाई जैसे ना अपनी कोरोला गाड़ी है, इसमें कंपनी क्या इंच के अलॉय देती है? कंपनी जो देती है इसमें देती है भाई 15 इंच। 15 इंच अपने कंपनी देती है। अच्छा, और इसमें भाई आपने कितने लगवाए? 17 इंच लगवाए। मैं आपको एक बार टायर प्रोफाइल चेक कराता, देखो 215/45/R17 अपने अलॉय कुछ ऐसे हैं। और भाई देखो आगे तो आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहे होंगे, पर इन दोनों में ना एक अंतर है, वो आपको देखने से अगर पता लग गया होगा तो ठीक है, नहीं तो हम आपको बता देंगे। सबसे पहले भाई ये बताओ कि अपने जो टायर अलॉय है कितने के पड़ जाते हैं 17 इंच में कोरोला गाड़ी के लिए? भाई इसकी जो कोरोला की और पोलो की है ना, वो पीसीडी 100 पीसीडी है। अच्छा अच्छा, तो ये अलॉय बहुत रेयर मिलते हैं। अच्छा, तो उस टाइम मैंने यूज्ड डलवाए थे, मुझे ये पड़े थे 35,000 रुपए के। कितने के भाई?
कितने के भाई? 30,000 के पड़े थे, अपने टायर अलॉय दिए थे मैंने। अच्छा आपने टायर अलॉय आपने दिए थे और फिर आपने ऊपर से मतलब 30,000 रुपए दिए थे। अच्छा यूज थे पर टायर चारों नहीं। तो अगर भाई मैं पूछूं अगर नए कोई ऐसे लगवाने जाए, क्योंकि मैं देख सकता हूं टायर भी ना बहुत लो प्रोफाइल है, क्योंकि 45 की प्रोफाइल है, अगर कोई नए लगवाने जाए तो उसमें क्या आएगा मतलब? 17 इंची आज के रेट में देखा जाए तो 25,000 से 30,000 के बीच में रेट आ रहा है। अच्छा 25,000 से 30,000 टायर आपको 5,000 से लेके भैया 20,000 तक डलवा लो। ये बात तो भाई सही वाली बात है भाई, टायर की आजकल भाई टायर पे लोग ज्यादा वो कर रहे हैं, अलॉय तो कोई सेकंड हैंड मिलता है, टायर ना लोग ऐसे लगवाते हैं। वो मत करो ना, कभी भी कहीं पंचर हो जाता है, एक पंचर पे दूसरा पंचर हो जाए, दूसरा लीक हो जाता है। सही बात है भाई, सही बात है। और देखो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये सारी बातें तो कर ली है। उसके बाद ना अच्छा दिखाने से पहले भाई ये बताओ कि जैसे कि आपने बताया अपनी गाड़ी सीएनजी भी है, तो भाई पेट्रोल पे क्या माइलेज देती है इन टायरों पे और सीएनजी पे क्या माइलेज देती है वो बताओ? पेट्रोल पे तो 9-10 की देती है। 9-10 की भाई सिटी में? सिटी में ही बता रहा हूँ, कैसी चला लो। हाईवे की देती है? हाईवे की, हाईवे पे ज्यादा 11-12, हाईवे पे ज्यादा 11-12। पेट्रोल पे एवरेज नहीं है, पेट्रोल पे एवरेज नहीं है। और सीएनजी की अपनी? सीएनजी पे भाई फुल करा के अगर तरीके से चलाते हैं तो 160-170 चलती है। 160-170 चलाई तो 120-130 पे आ जाती है। 120-130 पे। अच्छा उसके बाद मैं आपको दिखा दूं, देखो यहाँ पे 215-45-17 अपने पीछे भी है। यहाँ पे आप टायर प्रोफाइल एक बार देखो, 215-45। और उसके बाद मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, देखो भाई टायर प्रोफाइल इसकी एक तो पहले भाई ढूंढनी पड़ेगी अपने को। देखो यारी तो भाई यहाँ पे इसके 55 मतलब आगे 45 की प्रोफाइल पीछे 55 की, चौड़ा ही सेम है। तो भाई ये क्या मतलब क्या सीन है इसके बारे में बताओ, कि आगे अपने भाई लो प्रोफाइल और आप पीछे अपने मतलब थोड़े बड़े 45-55, ये क्या है भाई? सेम टायर थे आगे भी। अच्छा वो फट गए थे तो इमरजेंसी में वहाँ ये टायर नहीं मिल पाया। अच्छा तो 45 प्रोफाइल थी, फिर अगले दोनों टायर साथ। तो भाई मतलब ऐसे कुछ दिक्कत नहीं कि आगे मतलब अपने डाउन हो गई, पीछे से थोड़ी उठी होगी? टायर साइज सेम है, बस प्रोफाइल कम है, टायर साइज से थोड़ी सी नीचे है तो अच्छा चलने में अच्छा बढ़िया लगता है मतलब, है ना? तो भाई एक बार पीछे से हम आ गए, बात करते तो पीछे बताता हूँ भाई ने क्या क्या करा रखा है। भाई पीछे से मैं देख रहा हूँ पूरी डिसेंट अपनी गाड़ी है ना। आपने आप अपना नाम लिखवा रखा है, आपका ही नाम है भाई? पुनीत सरपंच है ना। और यहाँ पे देखो भाई गुजर गुजर है भाई अपने भाई। और भाई इन लाइट्स में कुछ करा रखा है आपने? हाँ जी, ये व्हाइट पार्ट आता है, इस पे रेड वो टेपिंग करा रखी है, इस पे रेड टेपिंग करा रखी है भाई ने। और भाई अगर जैसे मैं पूछे इसके रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं आते? नहीं रिफ्लेक्टर आते होंगे भाई, मैंने डलवाए नहीं, बट क्या कहते हैं इसमें मफलर लगवा रखा है। अच्छा इसमें मफलर लगा रखा भाई, देखो जैसे कि ये रहा अपना बढ़िया लगता है, ये 100 पीस है भाई, आवाज आवाज कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता ना। तो देखो पीछे वैसे तो हम जब भी हमेशा पीछे होते तो ऑडियो दिखा देते, पर भाई आगे से अभी अपनी गाड़ी रह गई तो पहले आगे से दिखाता हूँ, फिर मैं आपको ऑडियो में दिखाता हूँ कि भाई ने ऑडियो में क्या लगवा रखा है। उसके बाद देखो यहाँ से ना आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो भाई ये मतलब क्या सीन है, बाल्टी कहाँ का फिट कर रखी है भाई? जहाँ जगह मिलती है वहीं सेट करा देते हैं, जहाँ जगह मिलती है वहीं सेट। मतलब अगर मैं पूछूं भाई देखो बाल्टी पे नजर गड़ी तो कितनी बाल्टी है इसमें? भाई इसमें 4 बाल्टी लग रही है। 4 वाली भाई, चारों वर्किंग में? चारों वर्किंग, चारों वर्किंग। अच्छा 2 एम पे। और भाई मतलब इनकी प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे है चारों बाल्टी होगी? भाई 2 की तो आगे बम्पर में है। हाँ भाई पार्ट कटा के। अच्छा साइड में? अच्छा एक बोनट में और एक दोनों टायरों के बीच में पीछे। अच्छा दोनों टायरों के बीच में पीछे भी लगवा रखे। चलो पीछे से भाई आपको चेक करा देंगे, उसके बाद आगे से। भाई अगर मैं पूछे जो वैसे रिकमेंड देखो करते नहीं है ना ये जेड लेक ना ये बाल्टी वगैरह, फिर भी क्या प्राइसिंग पड़ जाती है इनकी? भाई बाल्टी का समथिंग अगर 2 बाल्टी एक एम्प ले तो 7-8 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। 7-8 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है 2 बाल्टी एक एम्प अगर मतलब ऐसे करवाते हैं तो भाई कुछ। तो चलो बाकी भाई से यहाँ से पूछते हैं। यहाँ पे भाई ने देखो रूट्स वाले हॉर्न लगा रखे हैं, आपको दिख गए होंगे भाई। ये क्या है अपने छोटे छोटे बटन? पीसीआर लाइट है। अच्छा ये पीसीआर लाइट है भाई, आजकल वो फ्लैशर वाली चलती है? भाई फ्लैशर वाली चलती है, इसमें ना मैंने सेट कराई थी वो हुई नहीं थी। अच्छा बट ये राउंड में थी, ये लगती भी प्यारी है और जलती भी प्रॉपर ही है। जलती भी प्रॉपर, फ्लैशर से कम है। अच्छा ये रात को प्यारी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। चलो जैसे भाई कहना है फैंसी नंबर प्लेट भाई लगा रखी है। भाई अगर मैं पूछूं फॉग लैंप अपने हेडलाइट में कुछ चेंज है? नहीं भाई इसमें बस ये पार्किंग बल्ब एलईडी है। अच्छा ये पार्किंग बल्ब जो यहाँ पे होता है ये एलईडी, बाकी अपने वही हैलोजन है सारे, है ना? अच्छा इनका शौक नहीं है भाई? नहीं शौक है, इसकी वायरिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, मैंने लगवाई थी फ्यूज हो जाती है। अच्छा फ्यूज हो जाती है, क्योंकि भाई देखो जैसे मैं देख सकता हूँ कि आपने ना जेड करा रखी है और भाई फ्रंट तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही जेड लग रही है भाई। नहीं पूरा 100 पूरा मतलब देखो। और भाई ये अंदर से बाहर से? ये बाहर से करा। अच्छा ये बाहर से, देखो भाई यहाँ से आपको दिख गई होगी, ये बाहर से भाई ने लगवा रखी है। अच्छा भाई जैसे बाहर से अपने होते कोई दिक्कत नहीं होती कि जैसे अगर दिक्कत होती है? अच्छा प्रेशर से धुलवा देते हैं। अच्छा अगर केयर करते हैं तो बहुत, हाँ मतलब वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा है ना। बाकी ऐसे वाले सीन है, कमेलिन के बारे में आपको बताई दिया था, ब्लैक प्रिंट थी। अच्छा शीशे के चक्कर में हटानी पड़ गई। अच्छा ऐसा सीन था, तो मतलब भाई वही कह रहा था मैं कि जेड की वजह से भाई जो हेडलाइट इसमें कंपनी से है उनसे सही दिख जाता है, क्योंकि पूरा जेड है आपका? नहीं दिख जाता है बट थोड़ी दिक्कत तो आती है डार्कनेस। हाँ मतलब सामने वाले की लाइट कम लगती है। अच्छा सामने वाले की लाइट नहीं लगती होगी आपको, जितना दिखता है भाई जितना दिख जाता है। चलो बहुत बढ़िया। और भाई देखो कमेलियन पे जैसे साइड के मिरर की तो बात कर ली थी भाई ने, फ्रंट भी करा रखा और बता दिया था मोर्स नेशन से अपने भाई ने ये कराया, तो भाई क्या प्राइसिंग पड़ जाती है वैसे? भाई
भाई उस टाइम मैंने भाई को दिए थे 3000 रुपये भाई ने दिए थे मोटिवेशन वाले भाई को, अपने प्रतीक भाई है जो उनको। तो भाई आज तक भी अगर कोई दिक्कत आई इसमें, जैसे आप बता रहे हो 3-4 महीने हो गए, मतलब बिल्कुल सेटिस्फाइड हो ना? कुछ नहीं हुआ, ऐसी की ऐसी है। अच्छा ऐसी की ऐसी है, चलो बहुत ज़्यादा बढ़िया। बाकी तो भाई सारी बात कर ली है, बहुत ही मस्त लग रही है गाड़ी। भाई एक बार ना जल्दी से बूट में आपको दिखाते हैं कि मेरे भाई ने ना बूट में ऑडियो में क्या लगा रखा है। एक बार आओ भाई, इसका एक बार बूट खोलो। तो देखो भाई यहाँ पे बूट खुल चुका है, और यहाँ देखो भाई यहाँ पे अपनी CNG प्लेसमेंट हो रखी है, और यहाँ पे भाई ने चैंपियन सीरीज लगा रखा है, वो भी डबल कोयल वाला। और भाई देखो कितना बढ़िया लग रहा है, और डबल कोयल भाई आपको यहाँ से पता लग जाएगा। देखो दो तारें जा रही हैं, और अगर मैं एम में भी दिखाऊँ देखो यहाँ पे भी दो ही लग रहे हैं। भाई मैं देख रहा हूँ कि एम में कोई स्पीकर का वायर नहीं लग रहा, ऐसा क्यों भाई? इसके स्पीकर चेंज नहीं, क्योंकि जो इसके कंपनी से स्पीकर आए ना, अच्छा आउटपुट इतनी अच्छी है कि सिंगल बूट के हिसाब से बहुत रिलायबल है, कि मतलब स्पीकर चेंज कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, नहीं भाई। अच्छा अच्छा ऐसा सीन है, क्योंकि कंपनी से इसमें आगे फ्रंट डोर कंपोनेंट है। अच्छा बैक ट्रे के स्पीकर भी अच्छे हैं, बैक के भी अच्छे आती है। अच्छा यहाँ पे लगे हुए हैं भाई? हाँ जी। अच्छा बहुत बढ़िया भाई, सही है एकदम। तो भाई एक बार इंटीरियर में आओ आप उस साइड से, भाई से तू चीजें पूछते कि भाई ने इसमें क्या क्या करा रखा है इंटीरियर में। जहाँ तक है कि भाई बता रहे कि इंटीरियर में भाई ने स्टॉक रख रखी है, स्टॉक ही उस हिसाब से उस टाइम पे बहुत अच्छी आती थी। अच्छा भाई गाड़ी में बैठते थे एकदम अंधेरा अंधेरा से हो गया, मतलब जेट का भाई ये फायदा तो है बाहर वाला कोई देख नहीं सकता। हाँ जी भाई फील है। और भाई ये अपने बीजेपी का? हाँ जी भाई बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अच्छा थोड़े पॉलिटिक्स में? अच्छा अच्छा पॉलिटिक्स में अपने भाई भी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भाई ने PCR लाइट लगा रखी है ना, वो अपनी बड़ी वाली होती बड़ी है। अच्छा रात को शेड देती है। अच्छा रात को ही वो जाता है ना, दिन में तो हाँ वो ये भाई कहाँ चलेगी। और भाई अंदर अगर मैं पूछूं इंटीरियर में तो क्या क्या चेंज है आफ्टर मार्केट? आफ्टर मार्केट भाई एक तो ये लाइटिंग है। अच्छा ये अपनी जो भाई एटमॉस्फेयर लाइट होती है ना, कलर चेंज होता है। बढ़िया भाई एकदम। हाँ जी बस इतना ही करा रखा है। अच्छा इंटीरियर में इतना ही, आपको ज्यादा वो पसंद नहीं है, कलर वलर हो जाता है ना भाई? कंपनी ने इतना प्यारा दिया, क्या चेंज कराए से उस टाइम पे वुड दे दिया सारा। हाँ भाई देखो अपने वुडन फिनिश में भाई सब कुछ देखो, सही बात है भाई। पहले से इतना दे रखा है, पहले से मतलब कंपनी ने इतना दे रखा है, स्टॉक रखे हैं। अच्छा देख सकते भाई, मतलब फील ही अलग है, कंफर्ट तो बहुत तगड़ा ही होगा, जबरदस्त भाई। वो आपको कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी है ना, अगर इसमें सीट कवर होते हैं ना, ठंड में आके बैठते हैं सीट पे ठंडा लगता है। इस सीट पे आके बैठ जाओ आपको सीट ठंडी नहीं लगेगी। अरे वाह भाई, मतलब कंपनी ने पहले इतनी बढ़िया चीज दी है कि कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो देखो ऐसा कुछ भाई कंपनी से मिलता है ये स्टीरियो जैसे आप बोल सकते हैं। तो भाई बिना किसी देर के ना आउटपुट सुनाते हैं, और फिर भाई से पूछते हैं भाई ने इस गाड़ी में टोटल कितने लाख लगा दिए या कहां पे जाने वाली है बातचीत, तब सुने आप आउटपुट। मतलब आउटपुट तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया आ रहा है जहां तक मैं देख रहा हूँ, एकदम जैसे कहते हैं ना डिसेंट। मैंने देखा भाई वूफर इतना तगड़ा होने के बाद भी आपकी गाड़ी का मतलब कोई पीस हिल नहीं रहा है, जैसे किसी की छत हिलती है भाई शीशे वीशे, ऐसा क्यों भाई? मुझे थोड़ा सा ना वोकल का ज्यादा शौक है। अच्छा आपको बेस कम पसंद है? मैंने कम कर रखा है। अच्छा वोकल के हिसाब से कम कर रखा है। अच्छा अच्छा भाई एक और ये बताओ, अपनी गाड़ी पूरी कवर कर चुके हैं, और अपनी गाड़ी जैसे आपने कितने की ली थी वैसे, और ये कब ली थी भाई? ये मैंने ली थी 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले कितने की भाई ये ली थी? 2,30,000। 2,30,000 भाई। अगर मैं पूछूं उसके बाद से आपने अभी तक इस गाड़ी में कितने लगा दिए, क्योंकि हम मॉडिफिकेशन की पूछते हैं हमेशा। पेट्रोल पे ही ली थी, फर्स्ट ओनर थी ये कार। अच्छा और क्या कहते हैं, सब काम मैंने ही कराया, बिल्कुल सिंपल सोवर कार थी ये। अच्छा अच्छा 52,000 किलोमीटर चल रखी थी ये। अच्छा अब कितनी चलेगी भाई वैसे? अब तो चल रही भाई 80+, सारा सा लगा के देख के चले तो 1,00,000 समथिंग पहुंच गई होगी। अच्छा 1,00,000 समथिंग पहुंच गया अगर सब कुछ मिला के चले तो, क्योंकि कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। हाँ वो तो है ना भाई, दिमाग खाली नहीं रहता, कभी कुछ कभी कुछ, जहां कुछ अच्छा दिखा वही लगा दे। तो भाई देखो हम तो अपनी वीडियो का एंड करते ना ये चीजें पूछने के बाद, हम पूछते कि भाई आगे आप कुछ कराने वाले हो या गाड़ी चेंज करने वाले हो? भाई अभी तो चेंज करने का मन है। अच्छा चेंज होती है तो फिर अपग्रेडेशन होती रहती है, अपग्रेडेशन होती रहती है। चलो भाई जैसा भी होगा जो भी होगा हम भाई की ID पे या भाई को फिर से ले आएंगे और दिखा देंगे आपको। ये वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, भाई के इंस्टाग्राम ID आपको शो होगी, भाई को जाके फॉलो करें। भाई रील डालते हो अपनी धनों की? पूरी डालते हो तो बहुत बढ़िया। ये वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।